बरेली मीरगंज फ्लाईओवर के नीचे घर में हुई चोरी। चोरों ने बीती रात 2 बजे के करीब घर के अंदर घुसकर की चोरी। घरवालों को सुबह उठने पर चोरी का पता चला। कमरे के अंदर सामान फैला देख घरवालों के उड़े होश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। घर के स्वामी नबी शाह ने बताया कि वो कल रात घर के बाहर घेर पर सो रहा था। बच्चे और महिला एक कमरे में सो रही थी, तभी बाहर के कमरे में चोरों ने रखा सामान उड़ा दिया। 5,000 रुपए भी वो ले गए। सुबह जब वो 4 बजे उठे तो उन्हें चोरी का पता चला। वो फेरी लगाकर अपने घर का खर्चा करते हैं। खबर जगत के लिए बरेली से यशपाल दिवाकर की रिपोर्ट। भाई साहब आपका नबी शाह, कहाँ रहते हैं आप? साहब चोरी जलपथ पर मोहल्ला इस्लाम नगर, ये फ्लाईओवर के पास में आप रहते हैं। रात घटना क्या हुई है आपके घर में? चोरी हुई थी साहब। क्या कुछ हुआ था? सामान चले गए, जेवरात चला गया, 5,000 रुपये नकदी चला गया। क्या कुछ जेवर में क्या चला गया? जेवर में कानों के कुंडल थे, लौंग थी, लॉकेट था सोने का, पाजेबें थी, काफ़ी सामान था। कितने बजे घटना हुई और कैसे आपको पता चला? लगभग ये 1:30 बजे 2 बजे के बीच हुई थी। जब सुबह 4 बजे हम लोग, हमारे बच्चे उठे, ताला टूटा हुआ पड़ा था और सामान सब बिखरा हुआ था। इसके बाद हम लोग घेर में भैंसों के पास सो रहे थे, वहाँ से हमारी बच्ची गई कि क्या थी हुई कि चाचा पापा ताला तोड़ दिया मकान का ताला, उसका कमरे का चोरी हो गई। फिर हम गए थे, फिर हमने सुबह देखा सब लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस थाने पहुँचे, 112 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस आई। कुछ सामान आपका यहाँ पे लाइन के बाहर भी मिला है, वो क्या है? वो उसमें खाली फर्श मिला, कुछ नहीं मिला। तो मतलब बाहर की तरफ भी सामान फेंक के गए थे, कुछ अंदाजा है कितने लोग हो सकते हैं? अंदाजा साहब कोई पता नहीं, मैं घेर में था। क्या करते हैं? फेरी करता हूँ साहब, यही मजदूरी कल मिल गई। कितने मेंबर रहते हैं आपके घर? 5-6 बच्चे हैं बस, 2 मर्द हैं, एक मैं बाबा, एक मेरा मैं।